हमारे एनजीओ का नाम है सेंट जूड इंडिया चाइल्ड केयर सेंटर। हमारे यहाँ सारे कैंसर के ही बच्चे आते हैं ज़्यादा करके। हमारे बच्चे यहाँ टाटा हॉस्पिटल, सायन, एसएल रहेजा और वाड़िया के बच्चे ज़्यादा करके आते हैं। हम यहाँ उनको रहने की जगह देते हैं, ट्रीटमेंट उनकी हॉस्पिटल में होती है। हम लोग यहाँ पेशेंट के साथ में मम्मी और पापा को रहने के लिए जगह देते हैं, क्योंकि कैंसर की ऐसी ट्रीटमेंट रहती है उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो दोनों भी अवेलेबल रहना बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ क्लीनिंग के ऊपर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। बच्चे कैंसर से पीड़ित तो है, पर उनको जब हम इन्फेक्शन से बचाएंगे, क्लीनिनेस देंगे, तो हमारे बच्चे और जल्दी इम्प्रूव हो सकते हैं। करी रोड में हमारा फर्स्ट शुरुआत हुई थी, वहाँ 8 बच्चों को रहने की जगह है। फिर भोईवाड़ा सेंटर में 2 और 3 है, वहाँ हमारा एक में 16 बच्चे हैं, एक में 14 बच्चे हैं। और उसके बाद ग्लोबल शुरू हुआ है, वहाँ 11 बच्चे हैं। और खारघर में हमारा पूरा एक बिल्डिंग है एट्रैक करके, उसमें 41 बच्चों को रहने की जगह है। अजय वर्मा के नाम पे है ये, जिनकी बेटी किम वर्मा, उन्होंने स्पॉन्सर किया है, वो उनके पापा हैं। और यहाँ के जो सारे यूनिट्स वगैरह हैं वो स्पॉन्सर पूरा रोटरी क्लब वालों ने किए हैं। वो सब स्पॉन्सर से ही आती है। जैसे शुरू में हम नए बच्चे को एडमिशन देते हैं तो उनके पास कुछ नहीं रहता है, तो हम उनको पूरा स्टार्टर पैक करके देते हैं। उसमें सब आता है, नमक से लेके कपड़े धोने तक की, साबुन की टिक्की पूरा देते हैं, तेल, राशन, चावल, चा पाउडर, नमक, पूरा स्टार्टर पैक उनको देते हैं शुरू में। फिर वीक वाइज हम लोग उनको आटा है, तूर दाल है, मिल्क पाउडर है, वो देते हैं। महीने के फर्स्ट वीक में उनको तेल से लेके राइस, वो सब पूरा प्रोवाइड करते हैं। शुरुआत में मैं और जगह पे काम कर रही थी बच्चे और लेडीज़ के साथ में, फिर वहाँ से मैंने यहाँ ज्वाइन किया। तो शुरू में नहीं पता था कि बच्चों में भी कैंसर होता है। फिर उन लोग का दर्द, उन लोग का वो सब देख के फिर अपने आप को उसमें ढाल दिया, और जितना मेरे से होता है मैं उनको हेल्प करती हूँ, और उनसे भी मुझे थोड़ी बहुत हिम्मत मिलती है कि नहीं, ये जो बच्चे हैं बीमारी से तो लड़ रहे, पर जो बीमार होते हुए भी कभी ऐसे उनसे लगता नहीं है कि इनको कैंसर जैसी बीमारी है, तो एक सेवा की भावना से भी मैं यहाँ काम करती हूँ। यहाँ पे बच्चों के लिए पढ़ाई होती है, पापाओं के लिए भी रहता है फादर एक्टिविटी, मम्मियों के लिए बास्केट मेकिंग है, कुकिंग मेकिंग है, साड़ी मेकिंग है, वो सब मदर एक्टिविटी में आता है। और सैटरडे के दिन बच्चों को म्यूजिक थेरेपी रहता है, संडे के दिन में हम सुबह में बच्चों को टीवी वगैरह लगा के देते हैं, शाम के टाइम में योगा सेशन होता है। ऐसे बोलते हैं कि म्यूज़िक के द्वारा थोड़ा वो जो अपना दर्द है वो रिलीफ हो जाता है, और थोड़ा उनको सुकून मिलता है, ताकि एक्सरसाइज वगैरह होती है म्यूज़िक थेरेपी के द्वारा, पीस ऑफ माइंड होता है उससे। हम लोग सुबह में भी थोड़ा हल्का म्यूज़िक लगाते हैं। सेंट जूड डे का इवेंट्स रहता है, और कुछ जैसे कि दिवाली है या तो फिर नवरात्रि है, वो सारे हम लोग इवेंट्स करते हैं। नवरात्रि के दिनों में हम लोग गरबा, डांडिया, वो सारा प्रोग्राम रहता है। दिवाली के दिन में पूजा, सब फैमिली वाइज फैमिली अपना अपना सब डाल के खाना बनाते हैं। पूजा की जो तैयारी रहती है वो सब पेरेंट्स मिलके करते हैं। आउटिंग के लिए बच्चों को बाहर लेके जाते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन, जो बच्चों का मंथ वाइज बर्थडे रहता है उनका, हम महीने के एंडिंग में लास्ट वाले सैटरडे बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। जैसे बाहर से आते हैं फैमिली, जो गांव वगैरह से है, उनकी भाषा वो सब प्रॉब्लम आता है, तो उनको समझने में, हमें समझने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है, पर हम फिर उसमें एक दूसरी फैमिली का हेल्प लेके कर लेते हैं।
जब बच्चा हमारा क्रिटिकल परिस्थिति में चला जाता है तो थोड़ा बहुत फैमिली को हैंडल करने में आती है तकलीफ, कि उसको कैसे कन्विंस करें, उनको कैसे समझाए, वो थोड़ा बहुत होता है। यहाँ पे हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर जब पहले इधर मुंबई में आई, जितना फैसिलिटी नहीं मिला इधर आके बहुत कुछ मिला हमको, और बच्ची को अच्छा करने के लिए इधर बहुत अच्छा है। क्योंकि पहले जब मैं जहाँ पर थी तो गर्म पानी नहीं मिलता उसको टब में बैठने के लिए, इसके वजह से बहुत इन्फेक्शन हुआ। हर हफ्ता में इसको बुखार कुछ ना कुछ होता, लेकिन इधर जब आई गर्म पानी मिला, साफ सफाई मिला, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, अभी कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ और केवल सब अच्छा अच्छा हुआ। इसको कर्नाटक से आई भाई, पहले कल्याण में रहते थे, किराए से लिया था रूम, तो उधर से आने में तकलीफ हो रही थी। फिर कैंसर सोसाइटी में नाम दिखाया, फिर 15 दिन में रूम दिया उन्होंने, बहुत अच्छा है उसको टब में बिठाने के लिए। उधर आते थे तो इन्फेक्शन हो गया था, दो बार बुखार आई थी, एडमिट हो गए दो बार। इधर थे तो अभी बुखार भी नहीं, कुछ भी नहीं, इन्फेक्शन कुछ नहीं, अच्छा है बच्चे के लिए, कीमो भी अच्छी तरह से चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर इन बच्चों के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो हम, और हमारा एम है कि 1000 बच्चों को रहने की जगह देने का। तो शुरुआत तो हमने अच्छी की है और हमारे सेंटर भी बढ़ते जा रहे हैं, तो और लोग उसमें जुड़ेंगे तो और जल्दी हम और सारे देश में हम हर एक बच्चों को रहने की सुरक्षित जगह दे सकते हैं।